बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर। खैर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ये तो घोड़ा बन गया, चल नीचे ले। आने दो उस कोने पे ले जाओ, बस स्टार्ट करो इधर से ही। रुक जा ठहर जा, अभी चल जाने दे। कमरान ने ये कहाँ निकल गया था? अस्सलाम वालेकुम। चैन ढीली हो गई बाइक की, ही गंदी चढ़ाई है भाई। आराम आराम से जा रहा हूँ, सामान बहुत ज़्यादा रख लिया और वो मेरे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। मेरे बाइक की चेन भी ढीली हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, ये नदी बंगला जाना था भाई जान, गलत हो गया किद वापस? यार आप लोगों ने माउंटेन ड्यू नहीं पी? नहीं माउंटेन ड्यू नहीं पी आपने? यार प्रोफेसर साहब को मैं बताता हूँ, सब्र करो। ओह जनाब, ये सारे बाइकर्स हम इकट्ठे हैं। मुझे यार कमरान भाई की टेंशन लग गई है, कमरान भाई पीछे थे, वो भी 1-5 पे अभी तक नहीं पहुँचे। खरे बच गए, मैंने फिर दरख्त देखा, मैंने कहा ले भाई काम हो गया। बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ है, जीप तो नहीं जा सकती। मेरे बाइक की चेन जो है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। अच्छा बड़ा ही एडवेंचरस रोड था यार, मज़ा आ गया। और राइट नो मैं फुल पसीने में भर रहा हूँ। अब नदी बंगला के बंदा तो यही कह रहा था कि आप करीब हैं, अब मुझे ये नहीं मालूम कि हम कितने करीब हैं। गाइस नदी बंगला पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही है। और यहाँ पे तो बड़े लोग हैं यार, क्या लोकेशन है। भाई नदी बंगला आगे, वैसे थोड़ा सा सफर है। यहाँ पे लोग मेरे ख्याल से दाने पीस रहे थे, लगता है यहाँ पे कोई चक्की वगैरह जो है ना इन्होंने लगाई हुई है। ये जी कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं हम, ये जो हमारे बाइकर्स कम ट्रैकर हैं ना, ये इन्होंने जगह की है तलाश। हेलो
जी GoPro की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, बट कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट तक ये वीडियो जाए। दोस्तों नदी बंगला हम आ गए थे और वहाँ पे भी नदी बंगले के साथ भी जो है ना वो कैंप आप प्लेस कर सकते हैं, पानी भी मयसर है, टॉयलेट भी मयसर है, मगर हमें जी थोड़ा सा एडवेंचर कैंपिंग का भी शौक़ है, तो हमने ऐसी जगह कैंप लगाया है कि यहाँ से जो है ना पूरी वैली का नज़ारा आ रहा है और साथ फॉरेस्ट है और कुकिंग हो रही है। राइट नाउ जी एजाज भाई जी चाय बना रहे हैं अपने हाथों से, एजाज भाई बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और जितने भी पार्टनर्स हैं आपने उनको देख ही लिया होगा कि कितने दुश्वार गुजार रास्ते से हम गुजर के आए हैं। पहले तो हमें लग रहा था कि यार नहीं चल, मतलब रोड जाता रहेगा, मगर जो ऑफ रोड का जो पैच आया ना उसने प्रोफेसर साहब हैं हमारे मेहर साहब उनको ना वो 3 मरतबा गिरे हैं, और आखिरी बार जब वो गिरे हैं तो उनकी जो पैंट है ना वो भी फट गई थी टांग वाली साइड से, और बहुत बड़ा ज़ख्म सा उनको लग गया, बहुत बुरे तरीके से गिरे, क्योंकि यार बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था। तो याद रखिएगा जब आपने यहाँ पर आना है तो आपने पूरा ट्रेन होकर आना है, ठीक है, अपने साथ फर्स्ट एड किट लाजमी लानी है। हमारे पास फर्स्ट एड किट थी, हमने जो है फर्स्ट एड किट की जो भी मेडिकेशन थी वो हमने कर दी। आपको अभी चलते हैं जी, नज़ारे भी दिखाते हैं और अपनी कैंपिंग साइट भी दिखाते हैं और जो चाय बन रही है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों ये है जी ब्यूटीफुल कैंपिंग एंड एडवेंचरस कैंपिंग साइट जो हमने जो है इसको डिस्कवर का किया है, और अभी मैं जी अपने पार्टनर्स के पास आपको वो लेके चलता हूँ और देखें जी कैंप कितने ज़बरदस्त किस्म के प्लेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कैंप हैं हमारे पास, हमारे बाइक्स जी वो खड़े हैं, और इसके बाद जो है ना वो मैं आपको जब नज़ारा दिखाऊँगा ना तो वो नज़ारा देखने के से ताल्लुक़ रखता है और आपका ना दिल बड़ा भाग भाग हो जाएगा। चलते हैं, पहले मैं आपको ना अपने पार्टनर से मिलाता हूँ जी। सलमान भाई आपने तो आज कमाल कर दिया, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा साथ आपके बाइक का है या आपका है या 50-50 है? गुड 50-50 है, क्योंकि आपके पास EFI इंजन है ना, तो वो डेफिनेटली उसको जब चढ़ाइयों में ना एक एडवांटेज हासिल होता है, कि ऐसा ही है ना। चल मैं जी आपको उससे मिला देता हूँ जी। आसिफ भाई आराम कर रहे हैं, सारी रात सफ़र किया है। कमरान भाई जिन्होंने हमें एबटाबाद से ज्वाइन किया है, प्राचा भाई हमारे बहुत सीनियर राइडर हैं जी, इजाज भाई जी, ग्रेट इजाज भाई ने जी तीन रातों का भाई जगराता है, तीन रातों का जाग रहे हैं। आप लाहौर से आपने हमें ज्वाइन किया है ना? जी जी बिल्कुल, बड़ी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, और इजाज भाई ने राइट नो अभी चाय बनाई है। यार एक बंदे को हम तलाश कर रहे हैं अभी, हाँ ये मिल गए। उमर भाई आप कैसे CD-100 को ले आते हैं यार? ये मेरे अल्लाह पाक का करम है माशाल्लाह यार, CD-100 यार आपको तो ट्रेल बाइक आपने बना दिया इसको। बस एक शौक की बात होती है सारी, माशाल्लाह सलामत रहे आपका शो। आमीन आमीन। पर जा रहे हैं, छोटी सी हाइकिंग है, ज्यादा नहीं है, तो वहाँ से जो है ना व्यू पॉइंट जो है बहुत जबरदस्त किस्म का, तो ये आप देख सकते हैं जी। शाका भाई और प्राचा भाई पीछे आ रहे हैं और दो आगे जा रहे हैं, बहुत स्पीड में है भाई। यार क्या ज़बरदस्त जो है नज़ारे हैं यहाँ पर, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि यार कि भाई यहाँ पे एक बंगला होगा और बंगले के साथ जो है ना फॉरेस्ट होगा और व्यू पॉइंट वगैरह नहीं होगा, मगर नहीं, बहुत स्पेक्टेकुलर जो है ना इधर का व्यू है। किधर? फ्रेंड्स लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, ये जी है मकड़ा पीक, आपको नज़र आ रही है, और मूसे का मसला इधर है, मगर राइट नो जी वो बादलों में है, क्योंकि मकड़ा से उसकी जो है वो हाइट ज़्यादा है, और वो देखें पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है, और अभी उस पर ना धूप पड़ रही है, तो क्या खूबसूरत मंज़र जी वो पेश कर रही है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन, मुझे इसका नाम नहीं आता, आई गैस मलका है, पर्वत है, बट कुछ कह नहीं सकता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा।
और जनाब ये देखें मेडो है जो है क्या नाम है नदी बंगले का, और यहाँ से वैली का व्यू कितना मज़ेदार नज़र आता है माशाल्लाह। कमरान भाई ने खाना तैयार किया और ये आप देख सकते हैं कमरान भाई डाल डाल के दे रहे हैं और एजाज भाई जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। दोस्तों ये जी मुर्गी आज बनी है बड़ी लजीज किस्म की, एजाज भाई और कमरान भाई ने बनाई है। और जी डिनर का टाइम हुआ जाता है और मैं डिनर करने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ये आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रही है मकड़ा पीक, और उसके साथ जो पहाड़ी सिलसिला है उसका मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल जो उसने व्यू पेश किया हुआ है ना वो मजेस्टिक है, और बादलों ने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ ना यार, ये वन ऑफ दी रेयर फुटेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना ही खूबसूरत ये जहान आप लोगों के लिए बनाया है। क्या ही व्यू है यार, वैली का क्या व्यू है, और उससे पीछे जो जिस तरह इस तरह मुझे लग रहा है ना जिस तरह मैं भाई स्विट्ज़रलैंड में जिस तरह वो एल्पाइन माउंटेन रेंज होती है ना उसी तरह का ये सारा रीजन मुझे लग रहा है। माशाल्लाह यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है, नाश्ता हमने बनाया है और ये सब जो है नाश्ता कर रहे हैं, और मेरा नाश्ता ये रहा। सलमान भाई कैसा है नाश्ता? एजाज भाई जजाकल्ला यार नाश्ते के लिए, थैंक यू। तो गाइस सिचुएशन ऐसी है, कैंपिंग तो प्लेस है मगर बारिश आ रही है ऐसा, सभी हल्की हल्की जो है वो बारिश का आगाज़ हो चुका है। तो हमने क्या मैनेजमेंट की है, और हम अभी राइट नाउ दोपहर का खाना किस तरह खा रहे हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। गाइस ये हमारे कैंप्स हैं और
दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और जो है एजाज भाई जो हैं वो खाना बना रहे हैं और बकाया जो दोस्त हैं उन्होंने वो गपशप वगैरह लगा रहे हैं। उमर भाई, शाका भाई, प्रोफेसर साहब, हसीब, प्राचा और जो हेल्प कर रहे हैं क्या नाम है कमरान भाई एजाज भाई की, और जी सलमान भाई नमाज की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज जो है जुमे का दिन है तो नमाज की तैयारी कर रहे हैं। गाइस एज़ यू आर सीइंग नाउ कि हम नदी बंगला जो है पहुंच गए हैं और नदी बंगला बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये टोटली इसका जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का बना हुआ है और इधर से जो फॉरेस्ट का व्यू है वो एक बहुत नायाब है और ज़बरदस्त किस्म का फॉरेस्ट है। एज सच जो फॉरेस्ट में जो दरख्त हैं वो यूजली आपको ऐसे दरख्त कम ही जगह पर नज़र आते हैं, मगर बड़ा ही पीसफुल प्लेस है ये। फॉरेस्ट चौकी भी है और वाइल्ड लाइफ का सेंटर भी है और मैं अभी आपको इसका जो है ना चक्कर भी लगा कर आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बना हुआ है और इसकी तारीख क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपको अभी शेयर करता हूँ। ये जी ग्रिल लगी हुई है इसकी बाउंड्री पे और ये आपके सामने फॉरेस्ट है। परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, कितने ही प्यारे जो है वो नगमे सुबह के पड़ रही हैं। और अभी चलते हैं जी नदी बंगला वाली साइड पे, अंदर से आपको इसका भी टूर करा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइनिंग टेबल लगी हुई है, ये रूम्स हैं। बेड्स वगैरह जो है प्लेस हैं यहाँ पे, अंगीठी लगी हुई है और ये रूम से बैक साइड का मंज़र है। अभी चलते हैं जी दूसरे रूम वाली साइड पे। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन में जो है छत तमीर की गई है। ये सेकंड रूम है, यहाँ पर भी अंगीठी मौजूद है और ये जी बैक साइड का मंजर है। ये जी इस फॉरेस्ट हाउस का बरामदा है। शफीक भाई हैं और शफीक भाई ने हमारे साथ बहुत तावन किया, ये यहीं पे डिप्यूटेड है और ये फॉरेस्ट ऑफिसर है और ये इनका रूम है जो दिन रात यहीं पर होते हैं। और ये जी है बाहर का मंजर। दोस्तों ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर है, इनॉग्रेटेड बाय मलिक अमीन असलम, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज। 12 नवंबर 2020 को इन्होंने ये इसकी इनॉग्रेशन की है और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम भी आपको बता देता हूँ, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये बंगला बनाया गया है ताकि जो है फॉरेस्ट को जो है मॉनिटर किया जा सके, ताकि फॉरेस्ट की कटाई वगैरह ना हो, जो इसमें वाइल्ड लाइफ मौजूद है उसका तहफ़ यकीनी बनाया जाए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको मालूमात आती रहें। और कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल ताकि मैं इससे मज़ीद बेहतर व्लॉग बनाता रहूँ आपके लिए। ये आपका अपना चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा। कलीम खान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।